दोस्तों, साउथ फिल्म इंडस्ट्री और बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री आज सफलता के सातवें मुकाम पर है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमें भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को भी नहीं भूलना चाहिए, जिसे सफल मुकाम पर पहुंचाने वाले इन अभिनेताओं ने अपनी कड़ी मेहनत और मशक्कत से देश के लोगों को खूब एंटरटेन किया है, कभी अपने ठहाकों से तो कभी फिल्मों में अपने रोमांटिक अंदाज से। इसीलिए तो आज दूसरी फिल्म इंडस्ट्री की तरह भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के इन अभिनेताओं को भी किसी पहचान की कोई जरूरत नहीं। लेकिन दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के इन दमदार अभिनेताओं के बारे में नहीं, बल्कि इनकी खूबसूरत पत्नियों से रूबरू कराने वाले हैं, जो कि दिखने में बेहद खूबसूरत हैं और इनसे बेइंतहा मोहब्बत करती हैं। तो देर किस बात की, चलिए जानते हैं कि आखिरकार कौन से हैं वो अभिनेता और उनकी खूबसूरत खूबसूरत पत्नियां। नंबर एक, दिनेश लाल यादव। भोजपुरी सिनेमा में अपनी रूहानी आवाज के साथ साथ अपनी अमेजिंग एक्टिंग के लिए जाने जाने वाले अभिनेता दिनेश लाल यादव को भला कौन नहीं जानता होगा। ये ना सिर्फ यूपी और बिहार में फेमस हैं, बल्कि पूरे देश में इन्होंने खूब नाम कमाया है, जिन्हें आप निरहुआ के नाम से भी जानते होंगे। वहीं अगर बात करें इस मल्टी टैलेंटेड अभिनेता की पत्नी के बारे में, तो इनकी पत्नी का नाम अम्रपाली दुबे नहीं बल्कि मंशा है, जिनके साथ ये साल 2000 में शादी के बंधन में बंधे थे और इस शादी से आज इनके दो बेटे अमित और आदित्य भी हैं। आपको बता दें कि मंशा एक हाउसवाइफ हैं, जो लाइमलाइट से दूर अपने निजी जीवन में काफी खुश हैं। नंबर दो, पवन सिंह। पवन सिंह आज भोजपुरी सिनेमा के उन चमकते सितारों में से एक हैं, जिन्होंने दर्शकों के दिलो दिमाग में अपनी एक खास जगह बनाई है और अपनी लाजवाब एक्टिंग के साथ साथ अपनी सुरीली आवाज से भी दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया है। वहीं अगर बात करें इस दमदार अभिनेता की पत्नी के बारे में, तो इनकी पत्नी का नाम ज्योति सिंह है, जो कि बलिया की रहने वाली हैं, जिनके साथ इन्होंने साल 2018 में अपना घर बसाया था। बता दें कि ये घर पर ही रहकर अपने परिवार की छोटी सी छोटी चीजों का पूरा ध्यान रखती हैं। लेकिन आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि ज्योति सिंह इनकी दूसरी पत्नी हैं। इनकी पहली पत्नी का नाम प्रिया कुमारी सिंह था। उन्होंने पवन सिंह के शादी रचाने के अगले साल ही फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। नंबर तीन, खेसारी लाल यादव। भोजपुरी फिल्मों में अपने रोमांटिक सीन्स के लिए जाने जाने वाले अभिनेता खेसारी लाल यादव ने अपने दम पर एक नया मुकाम हासिल किया है और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को ढेर सारी ब्लॉकबस्टर फिल्मों से नवाजा है, जिसके चलते आज ये किसी पहचान के मोहताज नहीं। वहीं अगर बात करें इस दिग्गज अभिनेता की पत्नी के बारे में, तो इनकी पत्नी का नाम चंदा देवी है, जिनसे इन्होंने साल 2006 में शादी की थी और आज इस शादी से इनके दो बच्चे हैं। आपको बता दें कि चंदा घर पर रहकर अपने परिवार का पूरा ख्याल रखती हैं और इन्हें भी लाइमलाइट में रहना बिल्कुल पसंद नहीं, पर सोशल मीडिया पर देखी गई इनकी कुछ तस्वीरों से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस खूबसूरत जोड़ी के बीच कितना अच्छा बॉन्ड है। नंबर चार, रवि किशन। टैलेंटेड एक्टर रवि किशन उन अभिनेताओं में से एक हैं, जिन्होंने भोजपुरी सिनेमा में अपनी एक्टिंग का जलवा तो बिखेरा ही, साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी अपनी गहरी छाप छोड़ी है। इसी के साथ साथ आज ये एक सफल राजनेता के तौर पर भी जाने जाते हैं, जो कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में गोरखपुर से सांसद भी चुने गए थे। वहीं अगर बात करें इस टैलेंटेड अभिनेता की पत्नी के बारे में, तो इनकी पत्नी का नाम प्रीति कृष्ण है, जिनसे इन्होंने साल 1996 में शादी की थी, जो कि एक लव मैरिज थी। आपको बता दें कि प्रीति एक हाउसवाइफ हैं, हालांकि इन्हें लाइमलाइट में रहना बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन हमें इनकी कुछ रेयर तस्वीरें देखने को मिली हैं, जहां हमें इस पति पत्नी के बीच का बेहद ज्यादा प्यार दिखाई देता है। नंबर पाँच, मनोज तिवारी। मनोज तिवारी एक ऐसे अभिनेता रहे हैं, जिन्होंने भोजपुरी सिनेमा से ज्यादा भारतीय राजनीति में नाम कमाया है। दर्शक इनकी फिल्मों से ज्यादा इनके द्वारा गाए गए गानों को सुनना बहुत पसंद करते हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री की सुपरहिट फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में इनके द्वारा गाया गया गाना जिया हो बिहार के लाला आज भी दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करता है। वहीं अगर बात करें इस बेहतरीन राजनेता और अभिनेता की पत्नी के बारे में, तो इनकी पत्नी का नाम रानी तिवारी है, जिनके साथ इन्होंने साल 1999 में शादी रचाई थी, लेकिन इनकी शादी कुछ ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई थी और साल 2012 में ही इन दोनों का डाइवोर्स हो गया था, जिसके बाद से आज तक मनोज तिवारी ने अपना दूसरा घर नहीं बसाया। तो दोस्तों, भोजपुरी सिनेमा के इन अभिनेताओं की पत्नियों के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही भोजपुरी सिनेमा से जुड़ी ऐसी और दिलचस्प खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।